सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जी इंडेक्स एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड के अंदर 229.html नाम से अपनी एक html की फाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि जो हमारे ये सीएसएस के लेक्चर्स थे इनमें हमने 28 वीडियोज को ऑलरेडी कवर कर लिया है। एंड अगर आपने अभी तक इस वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया और यहाँ पे ऊपर आई बटन पे भी इस प्लेलिस्ट का लिंक आ गया होगा, तो आप वहाँ से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने देखो 229.html जो फाइल क्रिएट की थी इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स इन सीएसएस। एंड यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके इस पेज को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो ये हमारा जो ब्राउजर है उसके अंदर पेज ओपन हो गया। अभी देखते हैं कि हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी हमारे HTML के एलिमेंट होते हैं वो उनकी विजिबिलिटी को स्पेसिफाई करती है, कि मीन्स वो हमारे ब्राउजर विंडो पे विजिबल रहेंगे या फिर हिडन रहेंगे, या फिर हम उन पे कौन सी वैल्यू है वो सेट करते हैं और वो कैसे हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डॉट कंटेनर नाम से एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं 3 बुक्स क्रिएट करूँगा, या फिर अगर मेरे को चाहिएंगे कि बाद में और भी बुक्स चाहिए तो मैं वहाँ पे और बुक्स क्रिएट करूँगा, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे डॉट बुक्स एंड स्टार लगा के जैसे 3 करता हूँ तो मेरे पास 3 बुक्स आ जाएंगे। एंड अभी मैं इन बुक्स को थोड़ा स्टाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो डॉट कंटेनर है इसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड एंड इसकी जो विड्थ और हाइट है वो भी मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। तो मैं विड्थ करता हूँ इसको 300 पिक्सल एंड हाइट है इसको वो मैं करता हूँ यहाँ पे 1000 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ 1000 पिक्सल, देखते हैं हमारा जो बुक्स है वो कंटेनर वो कैसा आया। अभी हमारा यहाँ पे कंटेनर आ गया एंड मेरे को थोड़ा जुकाम है तो ये मत समझना कि ऑडियो थोड़ी मतलब पहले से डाउन है, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ अभी जो मेरे ये बॉक्स हैं इनको भी स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉक्स बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, या फिर मैं यहाँ पे इनको करता हूँ ग्रीन, ठीक है। एंड इनको जो हाइट और विड्थ है वो भी सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी हाइट करता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ भी इसकी मैं करता हूँ 100 पिक्सल। एंड देखते हैं हमारे कैसे 3 बॉक्सेज है वो आए, यहाँ पे मेरे 3 बॉक्स आ गए। अभी मैं इन 3 बॉक्सेज को अलग अलग जो है कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं करता हूँ बॉक्स 1 बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे करता हूँ मैं एक्वा, इसी को मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ दोबारी और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 2 एंड यहाँ पे करता हूँ 3, लेकिन बॉक्स 1, 2, 3 मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टी कर्सर ऐड करके स्पेस दबा के मैं यहाँ पे करूँगा बॉक्स 1, इसको मैं करूँगा 2, इसको मैं करूँगा 3। तो मेरे पास ये 3 बॉक्स आ गए एंड इनका जो कलर है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा येलो करता हूँ, यहाँ से मैं येलो की तरफ जाता हूँ एंड येलो को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा ग्रीन टाइप से आ गया, तो ठीक है चलो ये भी चलेगा, मतलब उस कलर से डिफरेंट होना चाहिए, मतलब वो सेम नहीं होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ ब्लू एंड मेरे पास जो ये 3 बॉक्स थे वो क्रिएट होकर आ गए। अभी जो हमारी फर्स्ट सीएसएस की प्रॉपर्टी थी वो कौन सी है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो बॉक्स 1 है इसके अंदर मैं डालता हूँ विजिबिलिटी हिडन, जैसे ही मैं इसके अंदर विजिबिलिटी हिडन करूँगा तो यहाँ से देखो जो मेरा बॉक्स 1 था वो हाइड हो गया, लेकिन उस बॉक्स ने जो यहाँ पे स्पेस था वो अपना ऐसे कैसे ही रखा स्पेस, वो बस विजिबल नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब यूजर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो उसका स्पेस था वो यहाँ पे अब भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये हमारी बिल्कुल आसानी प्रॉपर्टी थी कि विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, कि जब भी हमें कोई एलिमेंट है वो हाइड करना है यूजर एंड से, लेकिन उसका जो स्पेस है वो वहीं पे रखे, वो स्पेस ऑक्यूपाई रहे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी का। एंड अगर मेरे को चाहिए कि जैसे इसका जो
पेरेंट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टियाँ है, तो उसके लिए मैं देखो जैसे यहाँ पे करता हूँ इनहेरिट, एंड इनहेरिट से मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बॉक्स वन है इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर। कंटेनर के अंदर जैसे मैं कहता हूँ विजिबिलिटी हिडन, क्या जो विजिबिलिटी हिडन यहाँ पे अप्लाई होगी, हाँ, क्योंकि जो मेरा कंटेनर था मैंने उसी को जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी हिडन है वो सेट कर दी, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये विजिबिलिटी प्रॉपर्टी थी वो समझ आई होगी, एंड अभी मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करता हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी विजिबिलिटी इनहेरिट थी इसको हिडन करके कमेंट आउट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो कंटेनर है वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, एंड मेरा जो ये बॉक्सेस थे वो भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एंड हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारे जो भी ये एलिमेंट होते हैं इनका ऑर्डर सेट करती है, ऑर्डर इन द सेंस कि कौन सा एलिमेंट मेरे एक दूसरे एलिमेंट को ओवरलैप करेगा, एंड कौन सा एलिमेंट एक स्पेसिफिक ऑर्डर से एक दूसरे एलिमेंट के नीचे जाएगा या फिर उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो भी हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी ये जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो हमेशा पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ काम करती है। पोजीशन प्रॉपर्टी देखो हमने वेब डेवलपमेंट इस प्लेलिस्ट में जो 27th वीडियो है उसमें देखा था कि हमारी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो हमारे एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड जो हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नंबर्स में रहती है, नंबर्स में इन द सेंस कि 1, 2, 3 या फिर नेगेटिव में भी जा सकती है, -1, -2, ठीक है। तो जो हमने देख लिया कि नंबर्स में रहती है, एंड जो हमारा कोई भी एलिमेंट है HTML का उसकी जो जी इंडेक्स वैल्यू होती है बाई डिफ़ॉल्ट वो 0 सेट होती है। एंड अभी देखते हैं हमारे जो प्रैक्टिकल करके इसको कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो देखो अज्यूम करते हैं कि मेरा ये बुक्स 2 है, अज्यूम ही क्या करते हैं कि मैंने इसको क्लास ही दे रखी है, तो हमारा ये बुक्स 2 ही है, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये बुक्स 1 है वो अपना स्पेस यहाँ से उठाकर यहाँ तक आ जाए, या फिर टॉप से वो 20 पिक्सल 30 पिक्सल जितना मैं चाहूँ उतना मूव हो, लेकिन इस जो बुक्स 2 है इसके ऊपर आइए, मीन्स इसका ऑर्डर ज़्यादा हो एंड इसका कम हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ये बुक्स 2 है वो नीचे जाएगा एंड जिसका ऑर्डर ज़्यादा है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो उसको अभी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी से हम सेट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मेरे को चाहिए कि जो ये बुक्स 1 प्रॉपर्टी है वो टॉप से 20 पिक्सल आए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसकी पोजिशन को कर दूँगा रिलेटिव एंड इसको टॉप से कर दूँगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 20 पिक्सल किया, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे को ये दिखाई नहीं दिया कि क्या इसने इसको ओवरलैप किया या नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, इससे देखो इस एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया एंड टॉप यहाँ पे देखो मैं इसको जैसे इंक्रीज करता जाऊँगा तो देखो ये बॉक्स जो 2 है इसको ओवरलैप करा, मीन्स ये इसको ऊपर जा रहा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 2 है वो इसके ऊपर आए एंड बॉक्स 1 इसके नीचे जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये हमारी जो देखो जो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो यूज करूँगा, एंड जी इंडेक्स प्रॉपर्टी किसके साथ वर्क करती है, वो करती है हमारी पोजीशन के साथ वर्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा पोजीशन रिलेटिव एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, तो देखो जो हमारा ये बॉक्स 1 है इसकी तो जी इंडेक्स वैल्यू है 0 एंड मैं इसकी सेट करता हूँ 3 या फिर 1 ही करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैं करता हूँ जी इंडेक्स एंड इसको करता हूँ 1 एंड अभी मैं जैसे बॉक्स 1 को करता हूँ 50 पिक्सल एंड अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखो जो हमारा बॉक्स 1 था वो बॉक्स 2 के नीचे चला गया, क्यों, क्योंकि मैंने बॉक्स जो 2 है उसको जी इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इस एलिमेंट से ज़्यादा यहाँ पे सेट कर दी, मीन्स अभी बॉक्स 2 का ऑर्डर बॉक्स 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है एंड बॉक्स 1 का ऑर्डर कम है, ठीक है। एंड उसी तरह देखो जैसे मेरा ये बॉक्स 3 है इसको मैं बॉटम से खिसकाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉक्स 3 को पोजीशन रिलेटिव एंड बॉटम से इसको करता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 पिक्सल किया, ये क्या हुआ कि ये इसके नीचे चला गया, क्यों, क्योंकि इसकी तो जो जी इंडेक्स वैल्यू है
वो है हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जीरो, एंड जो बॉक्स टू है उसके हमने यहाँ पे कितनी सेट की थी, यहाँ पे वन सेट की थी। लेकिन जैसे मैं इसको देखो कॉपी लाइन डाउन करता हूँ एंड जी इंडेक्स जो हमारा बॉक्स थ्री है इसको करता हूँ टू, तो क्या हुआ कि जो हमारा बॉक्स थ्री है उसकी जो जी इंडेक्स वैल्यू वो बॉक्स टू के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो क्या होगा कि हमारा बॉक्स टू तो नीचे चला जाएगा एंड बॉक्स थ्री उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो बॉक्स टू नीचे चला गया, बॉक्स थ्री उसके ऊपर चला गया। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी कि जी इंडेक्स जो प्रॉपर्टी हमारी वो कैसे वर्क करती है। एंड हाँ, जैसे देखो यहाँ पर मैं अगर थ्री पिक्सल भी करता हूँ, थ्री पिक्सल किया मैंने, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमारी जो जी इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हम नंबर्स में ही सेट करते हैं, ठीक है, ना ही हम इसको परसेंटेज में सेट कर सकते हैं ना फिर किसी और यूनिट में, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो यूनिट साइजिंग होती हैं उन्हीं के बारे में समझेंगे। एंड आज की वीडियो में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं एंड जो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आपका जो होमवर्क है वो रहेगा कि आपको एक कंटेनर क्रिएट करना है एंड उसके अंदर चार बॉक्स क्रिएट करने हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के नीचे आ रहे थे, लेकिन आपका होमवर्क ये रहेगा कि वो चारों एक लाइन में है। वो कैसे आएंगे वो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जैसे हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ यूज करनी है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने टॉप से इनको खिसकाया था तो ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट से एलिमेंट्स को मूव करना है एंड उनके ऊपर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी को सेट करना है, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट करना है एंड देखना है कि ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया आप साथ के साथ होमवर्क दो या फिर जो असाइनमेंट वगैरह वो दो, ठीक है। सो उसी के लिए मैंने सोचा कि आप अगर खुद से भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा होगी एंड आप इम्प्लीमेंटेशन जल्दी सीख पाओगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना एंड साथ के साथ इस वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट है वो फ्री में यहाँ पे यूट्यूब से सीख सके। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।